ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th चैप्टर एंड 31st वर्स भगवद गीता। मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं आप लोग। शिप्रम भवति धर्मात्मा, शिप्रम भवति धर्मात्मा, शश्वत शांतिम अधिगच्छति, शश्वत शांतिम अधिगच्छति। कौन्तेया प्रतिजानाहि, कौन्तेया प्रतिजानाहि, न मे भक्ता प्रणश्यति, न मे भक्ता प्रणश्यति। So, this is भगवान कह रहे हैं। मेरे पास एक्चुअली इंग्लिश बुक है, तो मैं आई रीड इन इंग्लिश, फिर हिंदी में बता दूंगा मैं। ही क्विकली बिकम्स राइटियस एंड अटेन्स लास्टिंग पीस। ओ सन ऑफ कुंती, डिक्लेयर इट बोल्डली दैट माई डिवोटी नेवर पेरिशेस। मतलब भगवान, इसका जो पिछला श्लोक है इसमें उसमें भगवान कह रहे थे, जो हमने कल डिस्कस किया था, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अगर कोई डिवोटी बहुत बुरा काम भी कर दे, गलती से या हैबिट से या हृदय कमज़ोर होने की वजह से, फिर भी भगवान कह रहे हैं उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी दोबारा से उसको गलती करके उसको ग्लानी होगी। ये बुरा नहीं है ना, वो बुरा आदमी को गलती करके ग्लानी नहीं होती। आत्मा से अच्छा है मगर मन से मजबूर है, तो इसलिए अगर मन कुछ उससे गलत कराता भी है तो उसको ग्लानी होती है, और दोबारा से फिर वो भक्ति करने शुरू कर देगा। तो ऐसा डिवोटी जो अभी कमजोर है, नया है, जैसे हम लोग हैं, जिनका मन अपने वश में नहीं है और मन कुछ भी कराता रहता है हमसे, ऐसे डिवोटी अगर हम ट्राई करते रहे, अनन नहीं हो गए ना, अगर हम सिंसेरिटी से भक्ति करते रहेंगे, जैसे अगर आप बीमार हो और दवाई लेते रहो, मतलब रोज प्रॉपरली जैसे डॉक्टर ने कहा है, तो धीरे धीरे आप ठीक होने लगोगे। और ये जो कमजोरी है हृदय की, ये हट जाएगी। तो कृष्णा खुद गीता में कह रहे हैं, क्या है वो, भजन्ते माम दृढ़ा पिता, कैसे है, ईशान तुंतगत पापम ये जना पुण्य परमणाम, इसके पाप खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे पाप नष्ट होते रहेंगे भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों की कृपा से। और पाप ही तो है जो हमारे मन में संस्कार के रूप में हमारे मन को, हमें मजबूर कर देते हैं कि हम लोग गलत काम करें। नहीं, सो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लीन होते रहते हैं, सिंसियरिटी दिखाते हैं, तो धीरे धीरे हम ठीक होते रहेंगे। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं शिप्रम भवति धर्मात्मा। बहुत जल्दी, शिप्रम मतलब होता है बहुत जल्दी, और भवति मतलब हो जाएगा फ्यूचर में। धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा वो। हो सकता है अभी अभी उसमें आपको कोई दोष दिखाई दे रहे हो, कोई आपको उसमें कोई गलत हैबिट्स दिखाई दे रही हो, मगर बहुत ही जल्दी वो मेरा शुद्ध भक्त बन जाएगा। बस समय की बात है और कुछ नहीं है। आज जो कनिष्ठ अधिकारी है कल उत्तम अधिकारी बन सकता है, आज जो नया डिवोटी है कल संसार का आचार्य बन सकता है, कुछ नहीं कह सकते किसी को, प्रोवाइडेड अगर आप भक्ति करते रहो तो। शिप्रम भगवान खुद कह रहे हैं बहुत जल्दी, शिप्रम मतलब बहुत जल्दी होता है। अब कितनी जल्दी, दैट्स अ क्वेश्चन। कल, एक महीना, एक दिन, एक साल, दो साल, तीन साल, अब कितनी जल्दी बनेगा वो डिपेंड करता है आपके आपकी सिंसेरिटी पे। जितनी सिंसेयर हो उतनी स्पीड है और उतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो सिंसेरिटी मतलब क्या है, मैंने कल के बताया था,
सिंसियर कैसे बन सकते हैं? सो पॉइंट है कि जितनी ज्यादा आपको, जितना ज्यादा भक्तों का संग करोगे, जितना ज्यादा आप भक्तों से नॉलेज लेते रहोगे और क्लियर करते रहोगे अपने डाउट्स, उतनी जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए एक डिवोटी अगर जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा, दूसरा डिवोटी अगर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, तो क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस हो सकते हैं कहीं, मगर मेन डिफरेंस ये होगा कि जो बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है उसकी हेयरिंग ज्यादा है, वो हेयरिंग कर रहा है। वो जो जल्दी नहीं पढ़ पा रहा, वो हो सकता है सब कुछ कर रहा हो मगर सुन नहीं रहा, इसलिए वो जल्दी आगे नहीं पढ़ पाएगा। और हम देखते भी हैं, मतलब क्लास में कई बच्चे होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ लोग टॉप करते हैं, तो फर्क क्या होता है सब में? मतलब सभी क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी का सेम टीचर है, सेम लंच ब्रेक है, सेम प्लेइंग पीरियड्स हैं, मगर फर्क ये है कि जो टॉपर होता है वो सबसे आगे बैठता है और ध्यान से सुनता है, सुनता है नहीं सुनता है। तो फेलियर होते हैं वो बैक बेंचर्स होते हैं, वो सबको चल रहा था सुनते नहीं, फेल हो जाते हैं। सो फर्क यही है बस, सुनने का और कुछ नहीं है। तो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं शिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा। मतलब भगवान यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दे रहे, भगवान ये भी कह सकते थे चलो अभी दो महीने में सही हो जाओगे तुम, तीन महीने में, टाइम पीरियड नहीं दे रहे भगवान। उन कह रहे हैं तो तुम्हारे हाथ में, अब तुम्हारे हाथ में, तुम फर्स्ट गियर लगाओ, सेकंड गियर लगाओ, थर्ड गियर लगाओ, फोर्थ गियर लगाओ, तुम्हारी मर्जी है। तुम चाहे बहाने मार के बोल दो भाई टाइम नहीं है, हम नहीं आ सकते सुनने, ये वो, हमारी लाइफ यही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आप स्लो स्पीड होगी। शिप्रम भक्ति धर्मात्मा, इनफैक्ट शीला प्रभुपाद यहाँ पे ये क्वेश्चन उठा रहे हैं पॉपर्ट में अपने। भगवान ने 7 चैप्टर में कहा है वन इज एंगेज इन मिस्चीवियस एक्टिविटीज कैन नॉट बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। तो कौन सा श्लोक है वो 7 चैप्टर का? जो पाप करता है वो भक्त नहीं बन सकता, भगवान कह रहे हैं 7 चैप्टर में। कौन सा श्लोक है, कोई है क्या? मुझे खुद भी ध्यान नहीं आ रहा। लॉर्ड सेज दैट वन हु इज एंगेज्ड इन मिस्चीवियस एक्टिविटीज कैन नॉट बिकम अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड। कौन सा श्लोक हो सकता है? किसी को कोई, आप तो SLTC कर रहे हो, आपको क्या है? आप लोग क्यों नहीं किया आप लोगों ने श्लोक लान? एक लान ले लो बेटा। ओके सेवन, आई थिंक यू हैव टू जस्ट हैव अ लुक कौन सा है, बट डेफिनेटली कोई ना कोई होगा। बट एनीवे भगवान गीता में आप भगवान कह रहे हैं, ओ या इनफैक्ट एक श्लोक है, कौन सा श्लोक है, मामे काम माम तो सब नहीं, भक्ति में विचारानी भक्ति हो गए ना सिलपते सगुणान संते ध्यान ब्रह्म भया, नहीं वो भी नहीं है। एनीवे सो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जब तक आपके पाप खत्म नहीं हुए तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे, कबीर ने भी तो कहा है, क्या है वो काली चुनरी लेकर, क्या है वो, मैं काली चुनरी लेकर तेरे दर पे कैसे, हाँ कि मैं काली चादर लेकर तेरे दरवाजे पे कैसे आऊंगा। मतलब दैट तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये रश लो, नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, ऐसे सिंपल वर्स है। कृष्णा कह रहे हैं जो दुष्कृति हैं, इनके पाप हैं, जो फूलिश हैं, वो कभी भी मेरा आश्रय नहीं लेते। 7 chapter 15th verse। तो फिर क्या क्या मतलब है, मतलब जिनके पाप है क्या वो भगवान का आश्रय कभी नहीं लेंगे, और भगवान का आश्रय ले बिना पाप खत्म नहीं होंगे तो क्या करें, ये तो फंस गए। नहीं, जो पाप है तो भगवान का आश्रय ले नहीं सकते आप, और भगवान का आश्रय ले बिना पाप कभी नष्ट हो ही नहीं सकते, फिर तो फंस गया, फिर क्या होगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि पाप हो सकते हैं आपके, पाप हो सकते हैं, मगर आप फिर भी भगवान के आश्रय में आ सकते हो। कैसे? भगवान तो कह रहे हैं जिनके पाप है मेरे आश्रय में नहीं आते, फिर कैसे आओगे? भक्तों की कृपा से। सो पापी व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लेगा, अपने आप से नहीं लेगा, वो नहीं ले सकता वो। हाँ अगर आपके बहुत ज्यादा ही पाप है तो डिवोटी एसोसिएशन में भी नहीं आओगे आप। अगर हिरण्यकशिपु की औलाद हो तो फिर तो आप
आपके पास प्रहलाद महाराज भी आ जाएंगे तब भी नहीं आओगे। वो तो नहीं आया है ना, वो हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु प्रहलाद मतलब आप हो, प्रहलाद नहीं है मतलब वो मतलब कह रहे हैं हिरण्यकशिपु तो बन नहीं सकते ना, मतलब वो तो हिरण्यकशिपु बनने के लिए भी आपको बहुत एग्जैक्टली अच्छे डीमन बनने के लिए भी पावर चाहिए। हम इतने घटिया, हम अच्छे डीमन भी नहीं बन सकते, मतलब वी आर लाइक कंप्लीट नॉनसेंस। सो तो इसलिए हिरण्यकशिपु अगर बहुत पाप है फिर तो ब्लॉक्ड है सब कुछ, तो किसी से भी आप संग कर लो, प्रहलाद महाराज के भी संग से हिरण्यकशिपु चिन्ह नहीं हुआ। हाँ मगर मगर अगर आपके पाप थोड़े डिसेंट टाइप के हैं, डिसेंट टाइप के मतलब इतने पाप नहीं है कि आप हिटलर बन गए, मतलब हिटलर वॉज अ, और इनफैक्ट हिटलर के, हिटलर से हमारे डिवोटीज मिले थे पता है, प्रभुपाद के जो गुरु हैं भक्ति चंद्र सरस्वती ठाकुर, उन्होंने अपने कुछ शिष्य जर्मनी भेजे थे प्रीचिंग करने, बॉन महाराज, और ये लोग हिटलर से मिले थे, हिटलर को गीता गिफ्ट भी की थी, बट इसके बाद क्या हुआ पता नहीं, भगवान जाने, बट दे मेट हिम। सो ऑफ कोर्स उसके इतने पाप थे, उसको कुछ समझ नहीं आया, वो तो खैर मार ही रहा था ज्यूस को, मतलब उसके जैसे क्रूअल आदमी कौन होगा। सो वैसे तो चलो कुछ नहीं हो सकता, मगर हम जैसे लोग एवरेज लोग हैं, हमारे एवरेज पुण्य और एवरेज पाप है। सो अपने आप से हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाएंगे, क्योंकि पापी व्यक्तियों में अपने आप से भगवान की भक्ति और आस्तिकता जागती, अपने आप से नहीं जागती, अपने आप से तो हमारी इंक्लिनेशन भोग में या नॉनसेंस चीजों में रहेगी। मगर फिर भी चांस है, चांस कैसे, डिवोटीज के एसोसिएशन से हम लोग चेंज हो सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है साधु संघ, साधु संघ सर्वशास्त्र का, साधु संघ लो, साधु संघ लो, साधु संघ में हो सकता है आपको लेक्चर सुनने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, अभी ऐसा भी हो सकता है, मतलब आपको यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कि मेरा लेक्चर आ रहा हो सकता है और लोगों का शायद हो सकता है ना भी आ रहा हो, सो आपको यार कुछ भी नहीं आ रहा क्या करें, किसी को हो सकता है कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बैठे रहो, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट घुस जाएगा आपके माइंड में। तो एक इंग्लिश में वर्ड होता है क्लिक, क्लिक करना, क्लिक समझते हो, क्लिक कर जाता है माइंड में पॉइंट। सो भक्तों के संग से हम भगवान के, भगवान की भक्ति में आ सकते हैं, उनका आश्रय ले सकते हैं, और एक बार भगवान का आश्रय ले लिया फिर तो पाप यूं खत्म होने लगेंगे, क्योंकि भगवान का नाम ले रहे हो आप, भगवान का शास्त्रों में लिखा है जो भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेने से उतने पाप खत्म हो जाएंगे, एक बार नाम लेने से आपके भूतकाल के पाप सारे खत्म हो जाएंगे, अभी जो कर रहे हो वो सब खत्म हो जाएंगे, और जो आगे करने वाले वो भी खत्म हो जाएंगे पहले ही। मतलब कहने का मतलब है जो भगवान का नाम लेता है वो इतने पाप कर ही नहीं सकता कि वो खत्म ना हो, दैट्स होली नेम ऑफ लॉर्ड। सो धीरे धीरे हम शुद्ध होते रहेंगे, शिप्रम भक्ति धर्मात्मा, धीरे धीरे आप धर्मात्मा बन जाओगे। यहाँ पे धर्मात्मा का मतलब क्या है, धर्मात्मा का मतलब क्या है, धीरे धीरे भक्ति करते करते धर्मात्मा बन जाओगे, मतलब दैट्स अ फनी वर्ड। अगर आप धर्मात्मा के बारे में सोचोगे, धर्मात्मा मतलब क्या है, क्या हम धर्म गुरु बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे। सो धर्मात्मा का मतलब होता है एक्चुअली यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, शास्त्र पालन करने लग जाएंगे, वो एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि शास्त्र पालन तो पंडित लोग भी करते हैं, नहीं आपकी दादी भी करती होंगी शास्त्र पालन, तो सब पहले करते ही थे, अंधाधुंध शास्त्र पालन भी कर सकते हो। तो धर्मात्मा क्या मतलब क्या है, भगवान ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे डिवोटी धर्मात्मा बन जाएंगे, बड़ी अजीब सी बात है, मेरे डिवोटी मेरे भक्त बन जाएंगे ये बोलना चाहिए, शिप्रम भक्ति भक्त कुछ कहना चाहिए, धर्मात्मा बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट वर्ड है। मगर धर्मात्मा यहाँ पे क्यों कह रहे हैं धर्म, क्योंकि धर्म का लक्ष्य क्या है, सवाय पुंसाम परो धर्म है तो भक्ति, धर्म का लक्ष्य भगवान की सेवा करना, और धर्मात्मा का मतलब है कि भगवान के सेवा के योग्य बन जाएंगे हम, एटलीस्ट कुछ आचार्य तो ऐसे ही लिख रहे हैं, मत सेवनियों को भक्ति। तो जब तक पाप है
और जितने पाप हैं उतने ही हम भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। सेवा तो कर रहे हैं मगर योग्य नहीं है, सेवा के क्वालिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें चांस नहीं देंगे सेवा करने का, चांस सबको मिलेगा चाहे आप कितने पापी हो भक्तों के संग में, मगर कितने आप योग्य हो सेवा के वो बात अलग है, वो बात अलग है। आप सेवा जरूर कर सकते हो, भी चांस सबको मिलता है क्लास में, बट कौन कितना क्वालिफाइड है वो तो फिर डिपेंड करता है, नहीं फिर तो उसके हिसाब से वो आगे निकलेगा। सो भगवान धीरे धीरे हम ट्रेंड हो जाएंगे अगर प्रभुपाद की लैंग्वेज में समझें तो, बस वो ज़्यादा अच्छी अच्छी लैंग्वेज है। डिवोटी एसोसिएशन में ट्रेंड हो जाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए, अभी हम ट्रेंड नहीं है, अभी अनट्रेंड एम्प्लॉई है, ये समझ लो। श्री कृष्ण धर्मात्मा मतलब होता है कि ट्रेंड हो जाना किसी भी चीज में, क्योंकि धर्म मतलब है ड्यूटी, ड्यूटी मतलब है ट्रेनिंग। सो आपको एग्जैक्टली आ जाएगा कि भगवान की सर्विस कैसे करनी है, वैष्णवों से कैसे डील करना है, भगवान से कैसे डील करना है, उसकी मर्यादा क्या है भगवान से व्यवहार करने की, वैष्णवों से व्यवहार करने की, वो सारी ट्रेनिंग आ जाएगी और उसको हम कहते हैं धर्मात्मा। तो सेवा एक 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 डिवोटी तो सेवा कर रहा है और मगर वो न्यू डिवोटी है, दूसरा डिवोटी सेवा से वो भी हो सकता है वही सेवा कर रहा हो मगर वो एडवांस डिवोटी है, दोनों में फर्क क्या है, क्या फर्क होगा? एडवांस डिवोटी ट्रेंड है, क्योंकि वो ट्रेंड है इसलिए वो सेवा में कोई गलती नहीं करेगा। हम अनट्रेंड है इसलिए सेवा में गलतियां करते हैं, और जो सेवा में जो गलतियां होती हैं उनको टेक्निकली बोलते हैं अपराध, बस और कुछ नहीं है। संसार में जो गलतियां होंगी उनको गलती बोलोगे, भगवान की सेवा में जो गलती होगी वो अपराध है। अपराध क्यों है? क्योंकि कोई गलती होगी सेवा में तो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं सो उस व्यक्ति के प्रति अपराध हो गया, नहीं हो गया, बिकॉज भगवान महान है। आप संसार में गलती करो तो अपराध की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, डजंट मैटर। मगर आप एक ग्रेट पर्सनालिटी से डील कर रहे हो, वो भी भगवान से, और उनकी सेवा में गलती हुई तो उसको हम ऑफेंस कह देते हैं, है नहीं? सो ऑफेंस है, तो ऑफेंस तब तक होता रहेगा जब तक आप अनट्रेंड हो, जब तक आप धर्मात्मा नहीं हो, तब तक आप गलतियां करते रहोगे क्योंकि मन कमजोर है, मन के वश में आके कुछ ना कुछ उल्टी फुल्टी चीजें कर दोगे। आपसे बोलेंगे भैया भगवान को भोग लगाना है, आपका माइंड इतना वीक है, भूल गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, या नींद आ गई सो गए, भोग लगाने रखा ऑल्टर में जाके सो गए, एक घंटे बाद नींद खुल रही है, या भोग लगा भैया निकालो। कई बार मैं प्रैक्टिकल रियल सिचुएशन बता रहा हूँ, मैं कोई वो नहीं बता रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। लोग भूल जाते हैं रखकर, खा खू के याद आता है भोग की प्लेट का है, वो तो ऑल्टर में पड़ी है। यानी दिस इज हमारा माइंड अभी कचूंबर है, वो क्यों है? क्योंकि ट्रेंड नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली नहीं, कभी डिवोटी से सुना ही नहीं, टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया। सो धर्मात्मा का मतलब है ट्रेनिंग, भगवान की सर्विस करने में ट्रेंड हो जाओगे, जितना ट्रेंड होगा उतने ऑफेंसेस कम होंगे, जितने ऑफेंसेस कम होंगे उतने भगवान खुश होंगे, उतने अच्छे आप स्किलफुल एम्प्लॉई हो, आप जल्दी प्रमोशन होगी नहीं, मतलब ऑफकोर्स आप अनट्रेंड हो तो उसी क्लास में अटके रहोगे। क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अगर तुम सिंसियर हो तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, अगर तुम नहीं भी आते तब भी दे दूंगा मैं तुम्हें, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हें डिवोटीज की एसोसिएशन मिलेगी और तुम्हें ट्रेनिंग मिल जाएगी, मैं तुम्हारे लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाऊंगा। सो कृष्ण अपनी तरफ से प्रॉमिस कर रहे हैं। सो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वत शांतिम अधिगच्छति, और जैसे जैसे हम ट्रेन होंगे ऐसे ऐसे शश्वत मतलब होता है शश्वत कैसे होगा इटर्नल, अशाश्वत मतलब टेम्पररी, शश्वत शांतिम मतलब आपको वैसे वैसे शांति। यहाँ पे शांति का मतलब क्या, यहाँ पे शांति का मतलब ऑर्डिनरी शांति नहीं है, यहाँ पे शांति का मतलब है प्रेम, क्योंकि असली शांति तो तभी मिलती है जब भगवान से प्रेम होता है, वरना बाकी तो जुगाड़ ही है नहीं इस संसार में शांति तो, मतलब लोग शांति पाने के लिए कहाँ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला
शिमला तो घूमने जाते हैं खैर, या शांति पाने के लिए कोई हिल स्टेशन, कोई पीसफुल हिल स्टेशन चला जाएगा या जो वाट एवर इट इज, बट वो तो टेम्पररी चीज़ें, फिर आके दोबारा शुरू आते हैं। सो प्रेम, शाश्वत शांति मतलब होता है प्रेम, इटर्नल पीस। इस संसार का सारे जुगाड़ वो टेम्पररी पीस है। तो कृष्णा कह रहे हैं बहुत जल्दी वो ट्रेंड हो जाएगा और उसको बहुत जल्दी शाश्वत शांति मतलब प्रेम, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, प्रेम मिल गया। सो कृष्णा इज प्रॉमिसिंग, और अगर हमें प्रेम नहीं मिल रहा भगवान के प्रॉमिस करने के बिना भी, तो मतलब क्या प्रॉब्लम है, तो वे भगवान फेल होगा नहीं। भगवान, अगर भगवान ने कह दिया कि ये व्यक्ति इसको प्रेम मिलेगा मतलब चार दिन में, तो वो कुछ भी कर ले उसको मिल के रहेगा नहीं। अगर वो चार दिन खून करता रहे, सब कुछ करता रहे, फिर भी उसको मिल जाएगा प्रेम, क्योंकि भगवान का संकल्प है। भगवान, हमारा संकल्प टूट सकता है, भगवान का संकल्प नहीं टूट सकता, प्रॉब्लम ये है। इसलिए अगर आप सिंसियर हो तो कृष्णा कह रहे हैं कि मैं उसको ट्रेन करूंगा, और ट्रेन करने के बाद उसको सर्टिफिकेट भी दूंगा प्रेम का। बस आप हमारे कंपनी में आ जाओ, बाकी हम कर देंगे, कोर्स अटेंड कर लो, फिर मारपीट के हम कर देंगे अच्छे अच्छे। भैया आईटी तो ऐसे ही होता है ना, बस आईटी में एक बार एडमिशन ले लो, फिर हम करवा देंगे तुम्हें सब, तो दैट्स अनदर थिंग। सो कृष्णा कह रहे हैं कि बस मेरे पास आ जाओ, मेरे डिवोटीज पे आ जाओ, बाकी ये मॉडल ही ऐसा है कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे। अगर आप छोड़ दोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, छोड़ो मत, बस चलते रहो, प्रेम जरूर मिलेगा। तो एक्चुअली बहुत ही क्या कहते हैं, मतलब ये श्लोक बहुत ही एनकरेजिंग है, क्योंकि भगवान अपनी तरफ से कह रहे हैं। नहीं अगर जैसे ये नहीं होते आजकल के स्कूल्स या कॉलेजेस, बोलते ना कि आपकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी, कहते नहीं कहते, तो तभी फिर लोग लेते हैं, हाँ ये अच्छा 100% प्लेसमेंट है, तो एनकरेजमेंट है ना। तो ऐसे ही भगवान अपने डिवोटीज को एनकरेज कर रहे हैं कि ठीक है तुम अभी नए हो, तुम्हारा माइंड वीक है, अपी चेत सुदुराचार हो, तुम्हारे से ऐसे काम हो रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए, सुदुराचार काम, बहुत ही गंदे काम हो रहे हैं जो कि डिवोटीज के लिए नहीं होने चाहिए, तुम्हारा माइंड बकवास सोच रहा है, तुम पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हो, बट नो प्रॉब्लम, डिप्रेस मत हो, डिस्करेज मत हो। डिस्करेजमेंट होती है ना कभी कभी, हम चैंटिंग कर रहे हैं, मन भागे जा रहा है, ऐसा लगता है चैंटिंग कर ही क्यों रहे हैं यार, मतलब क्या फायदा ही क्या मतलब चैंटिंग करने का, या हैबिट्स नहीं छूट रही कुछ, तो डिस्करेज हो जाते हैं यार क्या हो रहा है। कृष्णा कह रहे हैं डोंट बिकम डिस्करेज, कृष्णा बल्कि एनकरेज कर रहे हैं, बहुत जल्दी तुम प्योर हो जाओगे, डोंट वरी। तुम अगर सिंसियर हो तो ये प्रोग्राम काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बहुत जल्दी तुम्हें प्रेम मिलेगा इसी लाइफ में, इसी लाइफ में मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक डिवोटी को विश्वास होना चाहिए कि मुझे इसी लाइफ में परफेक्शन मिल जाएगी, ये इस विश्वास से हम भक्ति करते हैं। इसी क्यों क्यों विश्वास है हमें, क्योंकि भगवान ने प्रॉमिस किया, इसलिए थोड़ा ना विश्वास है कि मैं सुपरमैन हूं, यूनिक हूं, अब मुझे भक्ति मिल जाएगी, दैट्स नॉट द पॉइंट। भगवान ने प्रॉमिस किया, और भगवान का प्रॉमिस फेल नहीं हो सकता, भगवान का प्रॉमिस एक ही कंडीशन में फेल होगा, कब, जो कुछ है भगवान का प्रॉमिस कब फेल होगा, जब सिंसियर नहीं रहोगे, जब आप भगवान को ही छोड़ दोगे, तो फिर क्या है सिंसियर होना, मतलब आप अपने प्रोग्राम ही छोड़, आईआईटी से बाहर ही चले गए, भैया हमने प्रॉमिस किया था आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, आपने कॉलेज ही छोड़ दिया तो हम क्या करें, हमारी ही गलती है फिर इसमें। आप कहो भैया तुमने प्लेसमेंट नहीं दिलवाई, फेल हो गया तुम्हारा प्रॉमिस, भैया हम क्या करें, तुमने छोड़ क्यों दिया, तो दैट एक तरह से फेल नहीं हुआ, एक तरह से आप फेल हो गए अपना प्रॉमिस फुलफिल करने को, आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अगर इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम सिंसियर हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको भगवान का प्रेम दिलने में। टाइम जरूर थोड़ा लग सकता है, बट इसी लाइफ में भगवान से फेस टू फेस हम बात कर सकते हैं, ऐसे यशोदा मानंद बाबा, गोपियाँ, रुक्मणी जी बात कर रहे थे, ऐसे हम भी कर सकते हैं। बल्कि भगवान कह रहे हैं गीता में तो नहीं, भगवान भागवत में कह रहे हैं कि मैं अपने डिवोटीज से बात करता हूँ, बल्कि मेरा मन करता है उनसे बात करने का,
बात ऐसे करता हूँ जैसे आप मुझसे कर रहे हो. एक्चुअली शीला प्रभुपाद कई बार ही वॉज सीन टॉकिंग टू कृष्णा, मतलब फोटो के सामने बैठ के प्रभुपाद भगवान से बात कर रहे होते थे. भक्ति से आनंद सोरसी ठाकुर कई बार मंदिर में जाकर उनको राधा रानी कुछ ऑर्डर देती थी डीटीज, और वहाँ के बोलते थे देखो मुझे तो राधा रानी ने अभी ये बोला है और ये करना पड़ेगा. तो और हमारे आचार्य तो चलो आपको पता ही है, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, वो तो मतलब बात क्या, वो तो सनातन गोस्वामी से मदन मोहन जी खाते थे रोटी लेकर हाथ से डीटीज, वो ऐसे ऑफर करते थे वो हाथ से निकाल के. अब क्या करोगे आप इसका, मतलब ये तो यूनिक चीज है. नहीं सो कृष्ण ये प्रॉमिस कर रहे हैं, प्रेम मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि आई प्रॉमिस यू अगर तुम सिंसियर हो गए तो एक दिन आएगा मैं तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारा फ्रेंड बन जाऊंगा. तो कौन नहीं चाहता. सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, वो तदश्मसारम हृदयम वतेतम, कि डेफिनेटली उस व्यक्ति का हृदय पत्थर का बना होगा जो भगवान से मिलना नहीं चाहता. 100% उसका पत्थर का होना चाहिए. सच पश्चांत में देखा क्षति कौन ते प्रति जाना ही. अब भगवान हो सकता है हमें को डाउट हो, भगवान कह रहे हैं मगर कैसे होगा यार, हम तो मतलब हम तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस है, मतलब हम तो किसी कैटेगरी में ही नहीं आते. मगर इसलिए कृष्णा प्रॉमिस कर रहे हैं, खुद प्रॉमिस दे रहे हैं, अपने वर्ड्स दे रहे हैं, क्योंकि हम डाउट करते हैं ना भगवान पे. तो भगवान कह रहे हैं कौन त्या प्रति जाना ही, कौन त्या सबको बता दो, कुंती पुत्र बता दो, प्रति जाना ही. प्रति जाना ही मतलब एक्चुअली जाना ही मतलब बताना, प्रति जाना ही मतलब प्रोपोगंडा, प्रोपोगेट कर दो, मतलब बैनर्स लगा दो हर जगह, लगा दो बैनर्स. लगाना बहुत बड़ी बात हो गई, फिर आप वापस नहीं आ सकते. क्या न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है. चाहे वो फर्स्ट क्लास डिवोटी, चाहे सेकंड क्लास डिवोटी, चाहे थर्ड क्लास डिवोटी, चाहे कैसे ही, अगर वो डिवोटी सिंसियर है तो उसका नाश कभी नहीं हो सकता. ये विश्वास है हमें, अवश्य रक्षिवे कृष्णा. अगर इस विश्वास में खोट आएगा तब स्पीड स्लो होगी. जो ये 100% विश्वास करके चलेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको, फिर क्या प्रॉब्लम है. अगर भगवान ही प्रोटेक्टर है हमारे तो दुनिया की कोई ताकत क्या कर सकती है, कोई कुछ कर ही नहीं सकती. और ये सोच, ये एक्चुअली श्लोक पढ़ के डिवोटी भक्ति करता रहता है बस, भगवान ही प्रॉमिस किया ना. नहीं ऐसे ही होता है ना, मतलब मान लीजिए कोई लड़ाई हो रही है और कोई आपसे, आपका फ्रेंड कहे चल लड़ ले सबसे, भैया मुझे डर लग रहा है, कहेंगे भी मैं हम पीछे खड़े हैं चिंता मत कर, कुछ होगा तो उड़ा देंगे उसको, अब यार नहीं चले जाओ, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई देखा जाएगा यार पीछे तो खड़े ही हैं. अगर कोई पीछे नहीं है तब डर लगेगा. तो कृष्णा वही कह रहे हैं ना, मैं भक्त प्रणश्यति, मैं पीछे खड़ा हूँ, चिंता मत करो, तुम अपना अपना जोर लगाओ माया से लड़ने के लिए. माया अपोनेंट तो माया ही है ना, मैंने तुम्हें प्रोग्राम दिया है, तुम्हें ट्रेनिंग दिया मेरे डिवोटीज ने, तो माया से लड़ो. अब मुझे पता है माया से लड़ना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है मन से लड़ना तो असंभव है, मगर कोई नहीं तुम लड़ाई शुरू करो, मैं पीछे खड़ा हूँ, कुछ होगा तो उड़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कृष्णा विल प्रोटेक्ट अ डिवोटी फ्रॉम एक्सीडेंटल फॉल डाउन्स. सो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे कि आपका फॉल डाउन ना हो. मगर कल मैंने बताया था कभी कभी हो सकता है भगवान अलाव भी कर दें फॉल डाउन होने के लिए. क्यों? कभी कभी हो सकता है प्रोटेक्ट ना करें. क्यों? कि आपको लेसन, आपको गलती दिखाने के लिए. जैसे ये नहीं था आपका सुग्रीव और बाली, भगवान ने पहली बार नहीं मारा राम ने, सुग्रीव गया था एक्चुअली लड़ाई करने, भगवान ने कहा चलो लड़ो मैं मार दूंगा बाली को. जैसे बाली, सुग्रीव बाली आया, बाली ने मारा हो तो उन्होंने कहा भैया मर गया मैं तो भागा वहां, ने कहा भैया आपने बचाया नहीं मुझे, मैं तो पूरा विश्वास करके गया था. सो क्या उसके पीछे रीजन था, इसलिए नहीं बचाया. भगवान ने कहा अब जाओ, अब बचाऊंगा तुम मुझे. फिर नेक्स्ट बार गया तब भगवान ने बाली को मार दिया. सो क्यों नहीं बचाया? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नहीं बचाया
भाले को, सुग्रीव को पहली बार, क्योंकि भगवान कंफ्यूज हो गए थे, समझ नहीं पाए, दोनों की शक्ल सेम थी ना, मगर एक्चुअली एक लॉजिक गलत है, मतलब भगवान नहीं पहचान पाए, मतलब दैट्स नॉनसेंस, भगवान तो बाली को बाली से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो तो अंदर ही बैठे हैं ना, वो कैसे नहीं पहचान पाएंगे। जब एक माँ अपने ट्विन बच्चों में पहचान लेती है, अगर माँ के ट्विन बच्चे, वो पहचान लेगी ना कि कौन कौन है, हम नहीं पहचान पाएंगे, ट्विंस पता है ना, ट्विंस जुड़वा, हम शक्ल जो होते हैं हम, मगर वो पहचान लेगी, हाँ ये तो भगवान तो परमात्मा ही है। सो वो रीजन नहीं था एक्चुअली, भगवान ने जानबूझ के सुग्रीव को प्रोटेक्ट नहीं किया शुरू में, ऑफकोर्स मरने भी नहीं दिया कि मरी जाए, सो भगवान फॉल डाउन होने देते हैं, मगर इतना फॉल डाउन नहीं होने देते कि आप भक्ति से आउट ही हो जाओ, इतना नहीं होने देते, एक प्रोटेक्शन तो रखते हैं, मगर फिर भी होने देते हैं। सो उसके पीछे रीजन क्या था, पहली बार प्रोटेक्शन क्यों नहीं की भगवान ने, फुल फेथ नहीं था, अरे यार मरने कोई भी भाग जाएगा यार, चाहे किसी को भी फुल फेथ हो, कोई शेर आ जाए भागोगे नहीं, मतलब एक्सेप्ट अगर आप प्रहलाद महाराज हो पात अलग है, वो तो एक्सेप्शन होते हैं, बट मरने वाला था सूरी, तो वाली स्ट्रांग था बहुत, नहीं सो बट प्रॉब्लम ये थी कि सुग्रीव ने, अगर रामायण सही से पढ़ो ना, तो जब दूसरी बार सुग्रीव गए तो एक्सटर्नली लगता है भगवान ने एक्सटर्नली ये बहाना मार रहे थे कि पहचान नहीं पाया, एक्सटर्नली चल रहे थे, तो माला बनाई थी कि मैं तुम्हें पहचान लूंगा, बनाई थी, मगर वो सब एक्सटर्नल चल रहा था, असली में सब ऐसा कुछ नहीं था, भगवान तो पहचान गए थे, भगवान ने जानबूझ के नहीं करा। और फिर उसके बाद भगवान ने जो माला पहनाई थी वो एक्चुअली भगवान ने कहा हनुमान जी आप माला पहनाओ इसको, तो हनुमान जी ने पहनाई, मतलब हनुमान जी ने राम को दी और फिर राम ने पहनाई या हनुमान जी ने पहनाई, जो भी है। तो पॉइंट ये था कि पहली बार सुग्रीव जी ने, सुग्रीव ने राम की तो ब्लेसिंग्स ली थी, हनुमान जी की नहीं ली थी, ये हनुमान जी मिनिस्टर थे उनके, मिनिस्टर थे ना, वो ब्लेसिंग्स लेंगे, तो हनुमान सुग्रीव एक्चुअली भूल गए कि हनुमान की पोजीशन क्या है, भगवान से ब्लेसिंग्स ले ली, भक्त से नहीं ली, तो फिर भगवान प्रोटेक्ट नहीं करते। कृष्णा कह रहे हैं न मैं भक्त, कृष्णा क्या कह रहे हैं वो श्लोक कि जो व्यक्ति मुझे अपना भक्त कहता है मैं उसको अपना भक्त नहीं मानता, जो व्यक्ति अपने आप को मेरे भक्तों का भक्त कहता है उसको अपना भक्त मानता हूँ। तो उसने सुग्रीव ने वैष्णव ब्लेसिंग्स नहीं ली, भगवान की ले ली, इसलिए भगवान ने सबक सिखाने के लिए प्रोटेक्शन नहीं की। फिर जब नेक्स्ट टाइम आया, जब उन्होंने ब्लेसिंग ली हनुमान जी की, तब जाके फिर भगवान ने प्रोटेक्शन दी। सो भगवान कभी कभी प्रोटेक्ट नहीं करते फॉल डाउन से, कुछ सिखाने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए, अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है तो प्रोटेक्ट कर लेंगे आपको, अगर कोई मतलब ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है फॉल डाउन होने का, तो बचा लेंगे आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा, क्योंकि अगर फॉल डाउन हो रहा मैं बचा लूंगा, और अगर कोई गलती कर रहा होगा तो मैं उसको फॉल डाउन होने दूंगा कि जैसे गलती उसको समझ आ जाएगी और वो अपने आप को ठीक कर लेगा। वो न मैं भक्त प्रणश्यति मतलब माया से कभी नहीं हारेगा, वो मैं उसको इस तरह से ट्रेन कर दूंगा, इस तरह से मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा कि वो परफेक्ट डिवोटी बन जाएगा, परफेक्ट डिवोटी। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं बच्चे का, तो जब बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते नहीं चलाते हैं, कभी कभी छोड़ देते हैं पेरेंट्स देखने के लिए, फिर वो चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठाते हैं, अगर छोड़ेंगे नहीं फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर गिर के फिर सीखता है ना, हाँ अभी मुझे बैलेंस करना है, फिर सीखता है, तो कभी छोड़ते हैं कभी पकड़ते हैं कभी छोड़ते हैं, चलने लगता है। तो भगवान भी ऐसी हैं, कभी प्रोटेक्ट करते हैं कभी नहीं करते, कभी प्रोटेक्ट करते हैं कभी नहीं करते, गिरते हैं सीखते हैं और फिर एक दिन हम खुद चलने लगेंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा, वो परफेक्ट बन जाएगा और माया को हराकर और मृत्यु को हराकर जन्म मृत्यु से परे होकर मेरे पास हमेशा के लिए आ जाएगा। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, स्टार्ट।
9 चैप्टर कौन सा था, 31st वर्स, जाके पढ़ना इसका प्रॉपर, इट्स वेरी नाइस, जाके एक बार गीता खोल के एक बार पढ़ लेना है, सो अच्छा लगेगा, अब समझ आएगा आपको। ओके, कुछ पूछना है अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर। बाली भगवान का भक्त का सुग्रीव को पता था, बाली भगवान का बाली का भक्त था, कोई भक्त नहीं था बाली, बाली ऐसा कोई शुद्ध भक्त नहीं था, थोड़ा बहुत मानते थे लोग, बाली भी मानते थे सुग्रीव, उनको पता था राम है हनुमान जी की वजह से कि भगवान है राम, अयोध्यापति राम और ये महान है जो भी है, मगर उनको कोई ऐसा कोई बाली को ऐसा कोई सुपर फेथ नहीं था कि राम है। उस बाली ने अपना हाँ रीजन भी कहा था वाल्मीकि में, वाल्मीकि तो आपने मुझे क्यों मारा धोखे से, तो राम और बल्कि राम ने बोला था बाली को कि बाली तुम्हारी बंदर बुद्धि है तभी तुम्हें कुछ नहीं समझ आएगा, तुम्हें धर्म के बारे में क्या पता, सो वो शुद्ध भक्त नहीं था वो। बाली को जब मारा तो बाली ने कहा भी कि भगवान राम ने कहा अगर चाहते तो मैं तुम्हारा दोबारा जीवन प्रदान कर देता, तो बाली ने कहा जिन जो मुनि जो आप लोग, अरे वो तो मार खा के अकल आ गई ना उसको, पहले तो अंधा हो गया था वो, बस किंगडम में उसमें उसे मार पिट के तो सभी सीख जाते हैं, कुछ लोग नहीं सीखते मगर मोस्टली लोग सीख जाते हैं। क्या कह रहे आपने प्रभु जी, बताया कि जो जितना हियरिंग करता है उतनी जल्दी प्रोग्रेस करता है, अगर कोई एक और पर्सन इक्वली स्टडी कर रहा है, हियरिंग नहीं कर पा रहा है और घर पे अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है। देखो सेल्फ स्टडी करने से भी एडवांस कर जाओगे, मगर इतने नहीं करोगे इतना हियरिंग से, नेचुरली आई मीन टू से, आप खुद पढ़ते रहो कंपटीशन के लिए, और एक बंदा कोचिंग चला जाए किसका ज़्यादा चांस है, कोचिंग में ज़्यादा चांसेस है, वो सुन रहा है ना, तो 1000 times रीडिंग इज 1 time हेयरिंग, अब वो निकाल ही नहीं पाओगे, आप पढ़ के देख लो श्लोक, आपको पता ही नहीं लगेगा क्या चल रहा है, ठीक है। सो सुनना हमेशा बेटर, इसलिए भागवत में कह रहे शुश्रुवी तत्क्षणात्, सुनो सुनो, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि पढ़ो नहीं, मतलब आपका भी हम सुनते रहते हैं, हम पढ़ते नहीं, तो वो भी थोड़ा इतना बेटर नहीं है, बेस्ट है जो सुना है उसको फिर जाके पढ़ लो बस, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जैसे आपने सुन लिया 1 घंटा, अब जाके 10 मिनट में बस पढ़ लो जो श्लोक है प्रॉपर, बस हो गया, हमेशा के लिए हो गया, फिर आप बाद में आप सोच सकते हो, ध्यान कर सकते हो, किसी को बता सकते हो। क्यों ये क्यों पूछ रहा हूँ, पढ़ने का टाइम नहीं होता, पढ़ने का होता है लेकिन क्या ये तो उल्टा कह रहे हो, पढ़ने का टाइम अच्छा ऐसा होता है, अच्छा दिल्ली में होता है, बाहर नहीं होता, दिल्ली में तो होता है, यहाँ आने का टाइम नहीं होता, सो उनकी स्पीड स्लो ही रहेगी और क्या, मतलब खुद देख लो, मतलब आप खुद पढ़ लो और सुन लो, जमीन आसमान का अंतर है नहीं, पढ़ के क्या निकालोगे आप इसमें से। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय।